अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल आप सबको। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी खैरियत से हैं। और आज जी ये चीज़ें आपको देख के पता चल ही गया होगा कि क्या बन रहा है जी। आज बन रहे हैं बर्गर, लेकिन बर्गर की रेसिपी है और बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि ये जो बर्गर है ना, ये बहुत ही क्रिस्पी और कुरकुरे टाइप बनेगा। और क्योंकि बच्चे घरों हैं, आज छुट्टी है, और जब बच्चे छुट्टी हो, हॉलीडेज हो उनको, तो बच्चों की अपनी ही डिमांड चल रही होती है। तो आज मोहम्मद अहमद ने कहा मुझे एक कोई डिफरेंट सा, मामा मुझे कोई डिफरेंट सा कोई बर्गर बना के दें। तो फिर मेरे पास ये चीज़ें पड़ी हुई थी, फिर मैंने निकाली, तो मैंने कहा चलो मैं देखती हूँ क्या बनता है। तो सबसे पहले जी मैं आपको बता देती हूँ, स्टार्ट करते हैं। ये तो खैर ऊपर आप डाल सकते हैं एक्स्ट्रा। ये जी चिकन फजीता की क्यूब्स हैं, इसमें चिकन फजीता का फ्लेवर है, ये स्प्रेड है, चिकन फजीता वाली चीज़ यूज़ करूँगी। और ये जो क्रैम्स है ना, ये आपको किसी भी अच्छी बड़ी शॉप से मिल जाएगा। मैंने वैसे ये ना यहाँ पे हमारे रेमबो खुला है, वहाँ से लिया है मैंने, लेकिन ये जलाल सांस से भी मिल जाता है। किसी जो है ना अच्छी शॉप से आपको इजीली मिल जाएगा। और साथ में लिए हैं जी बर्गर। चलो जी अब स्टार्ट करते हैं और बताती हूँ साथ साथ क्या 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 करना है। अच्छा, अंडा भी है, एक अंडा भी चाहिए। चलो जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये देखें जी, अंडा मैंने बीट कर लिया है। और अब आपने सिंपल कुछ भी नहीं करना, सिर्फ इसको डिप करना है इसमें और अच्छे से लगाना है अंडा इसके ऊपर। और उसके बाद ये जो क्रम्स है ना, ये हमने इसके ऊपर लगा देने हैं। अच्छा, ये क्रम्स जो होते हैं ना, ये मोटे वाले होते हैं, ये स्पेशल क्रम्स होते हैं। और इसको लगा के ना हल्का हल्का सा दबा देंगे हम, ये हल्का हल्का सा दबा देंगे। ये ठीक है, इसी तरह मैं दूसरे को लगाती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये सारा क्रम्स लग गया ऊपर, यहाँ से भी और यहाँ से भी, यहाँ से थोड़ा सा और लगा लेते हैं। ये देखें, ये लग गया क्रम्स। चलो मैं दूसरे को भी लगाती हूँ फिर दिखाती हूँ। अच्छा, ये देखें जी, ये सारा क्रम्स लग गया। और अब जो है ना, इसको हम उठाएंगे हल्के हाथों से, बिल्कुल हल्के हाथों से, ठीक है। ये उठाएंगे हम और ऐसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसमें डाल देंगे। और बस एक से दो मिनट में ना, बस इसका कलर ही रेड करना है हमने, और इतना ख़ास कुछ भी नहीं करना, ठीक है। ये देखें ऐसे ये डाल देंगे हम। अभी हमने इसको हलाना नहीं है, अभी सिर्फ ये ऐसे ही पड़े रहे। फिर हल्का सा देखेंगे उठा के गोल्डन हो गया, तो फिर हम इसकी साइड चेंज करते हैं। चलो जी अब चेक करते हैं इसको, और आराम से बिल्कुल हल्के हाथों से। ये देखें, ये गोल्डन हो गया। अब हम इसको करेंगे यहाँ से, बस बिल्कुल हल्के हाथों से, वहाँ से भी गोल्डन करते हैं, फिर इसको टिश्यू पर निकालते हैं। चलो जी अब इसको निकालते हैं ये दोनों साइडों से। ये देखें कितना प्यारा कलर आ गया है, ठीक है। दोनों साइडों से कलर चेक करें आप। चलो इसको भी निकालते हैं और इसको भी निकालते हैं। चेक। अच्छा जी, ये है जी, मैंने ले लिया चिकन फजीता के चंक्स, और अब इसमें मैं ये डाल दूंगी चिकन फजीता स्प्रेड अच्छी तरीके से, ठीक है। ये डाल के अच्छी तरीके से मैं मिक्स कर लेती हूँ सारा, ताकि ना चिकन पे कोट हो जाएगा सारा। चलिए अब इसको मिक्स कर लेते हैं सारा अच्छे तरीके से, ताकि ना चिकन पे जो है ना सारा अच्छे तरीके से लग जाए। ये जी लग गया चिकन पे सारा। अब इसको इधर रखते हैं और यहाँ से हम जी ये बर्गर लेके आते हैं यहाँ पे। ये मैंने चीज़ निकाल के रखी है, ये देखिए। और इतने क्रिस्पी हैं ना, ये इतने क्रिस्पी हैं, बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हैं। तो चलें अब इसको लगाना स्टार्ट करते हैं रहीम, ठीक है। बच्चे जो होते हैं ना, वो ज़रा चीज़ी चीज़ी और क्रीमी क्रीमी और चिकन से भरपूर जो है ना वो चाहते हैं, तो इसीलिए बच्चों को जब भी देना तो दिल खोल के डालें। ये सारा मैं इस पर लगा दूँ। ये देखिए जी, ये इस पर मैंने लगा दिया सारा। चेक करें कलर, नीचे चेक करें कितना प्यारा गोल्डन कलर आ रहा है, और ऊपर से कितने प्यारे कलर आ रहे हैं। चलो जी अब हम ना इस पर ये चीज़ रख देंगे। अच्छा, चीज़ ना स्लाइस वाली नहीं सही रहती, ये जो होती है ना पिज़्ज़ा वाली चीज़, वो ही लेनी है हमने, वो बहुत ज़बरदस्त रहती है। इस तरह हम इसके ऊपर लगा देंगे चीज़, थोड़ा सा हाथों से ना ऐसे, थोड़ा सा ऐसे कर लें, ठीक हो गया ऐसे जी। ये हमने लगा दी इस पर चीज़, ये देखें। अब जी हम इस पर
ये रख देंगे ऐसे, और इसको सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए जो है ना, ताकि चीज़ मेल्ट हो जाए, तो मैं एयर फ्रायर में रखूंगी। अगर आप लोगों ने रखना होगा तो आप माइक्रोवेव में भी रख सकते हैं, लेकिन माइक्रोवेव में ज़्यादा नहीं रखना, क्योंकि माइक्रोवेव में ना चीज़ थोड़ी सॉफ्ट हो जाती है। लेकिन सिर्फ 30 सेकंड के लिए या 20 सेकंड के लिए रखें, ताकि सिर्फ चीज़ मेल्ट हो जाए यहाँ से। लेकिन मैं जो हूँ, और अगर आपके पास ओवन है तो वो बेस्ट है, ओवन में भी आप सिर्फ चीज़ मेल्ट होने तक के लिए रखेंगे, वो चाहे आधे सेकंड में हो चाहे 1 सेकंड में हो। तो मैं भी इसको जो हूँ ना, अब एयर फ्रायर में रखने लगी हूँ। चलिए ये हो गया है, एयर फ्रायर में मैंने लगा दिया था, और ये देखिए चीज़ कितनी ज़बरदस्त मेल्ट हो गई है, चेक करें। ये देखें जी, ज़बरदस्त सा फजीता क्रिस्पी चिकन बर्गर रेडी है, और चीज़ देखें गर्मा गर्म कैसे मेल्ट होके अंदर से निकल रही है, और ऊपर से भी जो है ना, आप इसको देखें कि कितना क्रिस्पी है, बहुत ही क्रिस्पी है। साथ में फ्राइज, और ये देखें ये इसकी पूरी लुक है, ये देखें ये लेजिए। जो चीज़ लवर है ना, उनके लिए तो ये बेस्ट बर्गर है, क्योंकि इसमें अंदर क्रीमी क्रीमी फजीता खट्टी मिट्टी सॉस होती है, फजीता की आपको पता खट्टी खट्टी सी और चिली चिली वाली होती है, और ज़बरदस्त किस्म की सॉस होती है। मुझे तो फजीता सॉस बहुत पसंद है। तो ये देखें जी, ज़बरदस्त किस्म का रेडी हो गया है बर्गर। अब ये मैं देती हूँ मोहम्मद अहमद को, और आई होप कि आपको ये जो है ना रेसिपी बर्गर की अच्छी लगे, और ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ज़रूर बच्चों को दीजिएगा, और देखिएगा बच्चे ज़रूर पसंद करेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि बहुत ही मज़ेदार है, क्योंकि बच्चों को भी ज़रा क्रिस्पी क्रिस्पी ही चीज़ें अच्छी लगती हैं, इस वजह से बच्चे वैसे भी जो है ना ऐसी चीज़ें शौक से ही खाते हैं। और अब तो आगे आ भी हॉलीडेज रही हैं, और काफ़ी ज़्यादा आ रही हैं, अब 1-2 दिन की तो हॉलीडेज आ नहीं रही कि बंदा जो है ना कहे चलो एक दिन की बात है बना लें तो, लेकिन नहीं जी, अब तो हमें ऐसी रेसिपीज चाहिए ही चाहिए, बच्चों को खुश करने के लिए चाहिए, और अगर बच्चे खुश तो हम खुश, हमारी ज़िंदगी आसान हो जाती है। चलो जी, अब ज़रूर बताइएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा कि आपको कैसी लगी, और कमेंट्स ज़रूर किया करें, ताकि मुझे भी आपके जो आपके ख्यालात हैं वो मुझे पता चल सकें, और मैं उस हिसाब से वीडियो बनाऊं, और भी कोई फरमाइश आपकी तो वो भी पूरी कर सकूं। और मुझे इंस्टाग्राम पे भी आज जो है DM कर सकते हैं, मेरा इंस्टा ID है तलाल निदा के नाम से, अगर आप सर्च करेंगे तो आपको ज़रूर मिल जाएगी, उधर भी मुझे फॉलो कर लें। चले जी, अब आपसे लेते हैं इजाज़त, लेकिन इजाज़त लेने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें, और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, अल्लाह हाफिज़।